गुरुवार को कुराबर थाना क्षेत्र के माल की टूस में अशोक कुमार नामक 35 वर्षीय युवक का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला था, जिस पर कुराबर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को फंदे से उतारकर कुराबर स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया और मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया। लेकिन इस मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब परिजनों ने मृतक अशोक की हत्या की आशंका जताते हुए एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिहाज से कई जगह दबिश दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पूरी रात निकल जाने के बाद सुबह पुनः मृतक के घर के बाहर उसके रिश्तेदारों के साथ ही समाज के लोग भी इकट्ठा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव को नहीं लेने की बात पर अड़ गए। कई घंटों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार, DYSP गिरवा, ज्येष्ठा मित्रेय और समाजजनों की आपसी बातचीत के बाद दोपहर 3 बजे तक आपसी सहमति बनी। पुलिस ने सभी को आश्वस्त किया कि 5 दिन के भीतर नामजद हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब कहीं जाकर परिजन मृतक का शव लेने को राजी हो। इस दौरान पुलिस थाना नाई, टीडी और प्रसाद थाने का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। हाँ, उन्होंने पंखे से लटकाया, रस्सी भी देख, रस्सी बाहर से आई है ये भी देख ली। इनके मम्मी ने बताया कि 2 आदमी में अंदर घुसी तब ऊपर चढ़ के उधर गए, 2 लड़के भागे हैं। ये पहले तफ्तीश में उनको नहीं आया था तो साहब ने नोट कर लिया है और वो 2 लड़के का नाम भी बता दिया उन्होंने भाई, वो जाके पुलिस तफ्तीश करेंगे। अभी तो फौरी तफ्तीश हुई है, उसमें जो तफ्तीश हुई है उसमें अमित जी थानदार साहब को और एडिशनल SP साहब को, पुलिस वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। रात भर दौड़ के, ये सब जानते हो आप, रात भर दौड़ी है, रात भर दौड़ के सबको गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की तरफ से अपने को कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई पुलिस की तरफ से कोई विवाद हो तो बताओ मेरे को। पुलिस ने बहुत अच्छी तफ्तीश की है, केस अच्छा बनाया है, गिरफ्तारी कर ली है, थाने में बैठे हुए हैं, तफ्तीश चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साहब कह रहे हैं कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या केस बनता है वो मैं और देखूंगा, और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ये साहब और इनके पूरा विश्वास है। अब तफ्तीश के अंदर आपको पुलिस की देरी के कारण किसी को कोई हो तो मैं बैठा हूँ जिम्मेदार के, बताओ किसी को कोई शंका हो तो। अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, पहला पॉइंट अपना खत्म। पुलिस की तरफ से कोई शंका हो तो बताओ आप। जो गिरफ्तारी है, हाँ, जो मुजरिम है, हाँ, हम उनको पहचानते हैं। हाँ, जो आप वो पुलिस में पड़े हुए, वो बंद कर रहे हैं, ये सब देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चलो ये उसके बाद में लाश उठाएंगे, बाकी लाश ही नहीं उठाएंगे। मुआवजा मिलेगा और वो होगा, उसके बाद में लाश उठाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, एक आपकी बात मान ली कि मुलजिम गिरफ्तार उन्होंने कर लिए हैं, वो तफ्तीश उनकी चल रही है, और आप कह रहे हो फोटो मंगाने, मैं साहब से भी रिक्वेस्ट कर लूंगा। आप देखो, अरे मैं थोड़ी क्या करूँगा यार, 5 जने देख लो, आप जाएं दिखाऊंगा, सब सेटिस्फाई कराए बाद ही हाथ लगाऊंगा, ठीक है ना साहब। आपका मुलजिम ने आप देखूंगा, बात साहब मुँह के देखूंगा, बस साहब ऐसी बात नहीं, फिर उसके बाद में लाश को उठाएंगे, उसके बाद में बस ठीक है। अब रही मुआवजे की बात, मैंने ADM City से ADM साहब से बात करी, बुनकर साहब से, बुनकर साहब से, भाई हत्या का मामला है और हत्या के अंदर जो धाराएं बनी हुई है वो जैसे ही चार्ज